तो भाई चलो आज हम आपको शेयर बाय करके दिखाते हैं, ठीक है। ये जैसे कि रिलायंस का जब हम शेयर बाय करेंगे तो अभी चल रहा है 35.50, ठीक है, करंट। 70 रुपीज रिसीव्ड ऑन भारत पे। और हमने 36.54 में ले रखा है, तो हम इसको एवरेज करेंगे थोड़ा सा, ठीक है। ज़्यादा स्टॉक नहीं ले रखा, मतलब हम ले रखा है, इसे एवरेज करेंगे। ऐसे जाकर यहाँ पे देखेंगे हम भाई, डिलीवरी में लेना होता है डिलीवरी इंट्राडे MFT, ठीक है। इंट्राडे होता है कि मतलब कि एक दिन के अंदर तुमने ले लिया और उसे एक दिन के अंदर बेचना होगा, ठीक है। अगर नहीं बेचोगे तो अपने आप बिक जाएगा। और डिलीवरी में होता है कि लाइफ टाइम, लॉन्ग टाइम के लिए रहता है, मतलब जब तक आप नहीं बेचते तब तक वो पड़ा रहेगा आपको उसमें, ठीक है भाई। डिलीवरी ये होता है, तो MFT होता है। MFT में वो करने के लिए, वो तो बाद में बताऊंगा, आप अगर बेसिक सीख रहे हो तो, ठीक है। डिलीवरी में आपको ये करना है सिंपल सा, कि जाके आपको शेयर लेना है, जो भी जितने भी NSE के शेयर लेना है। देखो NSE और BSE होता है, नेशनल और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। तो इसमें NSE वाले में, NSE में जाके ले लेना जितने भी स्टॉक आपको लेना भाई, यहाँ पे फिल कर देना, ठीक है। अभी मैंने ऑर्डर लगा रखा है, मैं अभी बताता हूँ। और आपको अगर जैसे यहाँ पे रेट चल रहा है 36 रुपये हो गया, 36.4, तो ये मार्केट प्राइस है, ठीक है। तो यहाँ से एट द मार्केट प्राइस लेना हो तो ले लेना। अगर आपको लगे कि अभी नीचे आएगा तो यहाँ से मतलब अपने हिसाब से प्राइस लिमिट सेट कर देना, ठीक है। जो भी लिमिट आप सेट करोगे, जैसे कि आपको लगता है कि 35-21 पे आएगा, अभी 35 तक आएगा तो 35 पे मैं लूँगा, जितना भी क्वान्टिटी होगा सो जितना भी ले सको, है ना। तो फिलहाल अभी हम दिखाते हैं, देखो ऐसे ही होता है सिंपल। लेकिन मैंने अभी ऑर्डर लगा रखा है, जैसे कि अगर आपने वो कर दिया, लिमिट लगा दिया, ये जैसे कि अभी रिलायंस पे मैंने 35-25 पे आएगा जब 180 क्वांटिटी लूंगा, तो मैंने अभी लगा रखा है, सेट कर रखा है, इसे मॉडिफाई करने जा रहा हूँ, ठीक है। आपके सामने मॉडिफाई सोने या तो बाहर तेरा, ये देखो 35-25 पे मैंने 180 लॉट लेने, मतलब 180 स्टॉक्स लेने मैंने सेट कर रखा है लिमिट। अभी 36 ऊपर चढ़ा गया भाई, 35-16 पे आ रखा था, मैंने लिया नहीं ध्यान, मतलब थोड़ा सा और थोड़ा वेट कर रहा था। तो अभी वेट करते हैं, अगर आएगा तो ठीक है, वरना फिर होल्ड करेंगे उतना ही। यहाँ पे जाके अपना मॉडिफाई जो भी, मतलब अगर मेरे को लगता है कि अभी और नीचे आएगा, मैं मेरे को लगता है 30 कर देता हूँ, 30 पे जल्दी मतलब मिल जाएगा मुझे। और NSE में डिलीवरी में आएगा, ठीक है। लिमिट मैंने सेट कर रखा है, अगर मैं मार्केट प्राइस पे जाऊँ तो मार्केट में मिल जाएगा, लेकिन अभी मार्केट पे नहीं लेना, मार्केट पे क्योंकि मैंने ले रखा है, मैं एवरेज करना चाह रहा हूँ, ठीक है गाइस। अभी सेट कर देंगे 35-30 पे, यहाँ से मॉडिफाई कर दूंगा बाय, ठीक है भाई। थोड़ी देर में अभी मेरे को कुछ भी क्वांटिटी, यहाँ पे देखो क्वांटिटी 180 मैंने मतलब लगा रखा है, डिलीवरी टाइप है। अगर मेरे को मिल जाता तो यहाँ पे और 180 आ जाता, जितने भी शेयर मेरे को मिल जाते हैं। अभी मॉडिफाई कर रखा है, रिक्वेस्ट भेज रखा है, ऑर्डर रिक्वेस्ट। यहाँ पे हमें देखो होल्डिंग, अगर हम यहाँ पे करेंगे होल्डिंग का ये रहेगा और ऑर्डर्स में ये रहेगा, ठीक है गाइस। ऑर्डर्स में मतलब जैसे कि अभी मैंने दो तीन शेयर अभी निकाले हैंड टू हैंड, तो अब मैं इस पे लगा रहा हूँ, मतलब रिलायंस पे ऑर्डर लगा रखा है। ऑर्डर जैसे ही सक्सेसफुल हो जाता है, मतलब 35-81 जो भी इसका मार्केट प्राइस है, वो जैसे ही लिमिट पे आएगा 35-30 पे, तो मेरा ऑर्डर हिट हो जाएगा और यहाँ पे होल्डिंग में शो हो जाएगा, ठीक है गाइस। वो भी मैं आपको चेक करवाता हूँ अभी थोड़ी देर में, ठीक है, वेट करो, आएगा अभी थोड़ी देर में, घूमता घामता हमारे पास ही आएगा भाई, टेंशन नहीं ले रहो, अपन वेट करने वाले हैं। शेट यार इतना कॉल।